हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JDS एजुकेशनल एकेडमी। सो आज हम करेंगे दोस्तों क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग के MCQ क्वेश्चंस। यहाँ पे हम दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चंस MCQ बेस्ड डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपका पैटर्न एग्ज़ाम का, उसके बेस्ड भी सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब मैं आपको MCQ की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करवाऊंगा और होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल में पहली बार आए दोस्तों, तो मैं आपको बता दूँ कि हमारा ये चैनल मेनली SST को ही डेडिकेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको SST से रिलेटेड ही टॉपिक मिलेंगे, और मैंने ऑलरेडी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो भी फर्स्ट टर्म का चैप्टर्स था, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं दोस्तों। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने उन चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हैं अगर आपने ना देखा हो तो, है ना। और प्लीज़ से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मनी एंड बैंकिंग, जो टर्म वन है आपका। टर्म वन में आपके इन दोनों चैप्टर से दोस्तों 8 मार्क्स से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। टोटल मार्क्स कितने आएंगे दोस्तों? 8 मार्क्स, है ना। 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे आपके इन दोनों चैप्टर को मिला के। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी इन दोनों चैप्टर्स को लेकर, इनकी थ्योरी पोर्शंस को लेकर, तभी आप MCQ क्वेश्चन दोस्तों इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले प्लीज़ आप थ्योरी पोर्शंस को ज़रूर देखिए, उसके बाद MCQ प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपना मेल आईडी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको आपके मेल आईडी में फॉरवर्ड कर दूँगा ये सारे क्वेश्चंस की PDF, है ना। तो ये सारे हैं चीज़ें हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज की सीरीज़ MCQ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखो दोस्तों, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यानी ये सारे आपको पता ही दोस्तों MCQ क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। बट अगर हम बात करें दोस्तों, CBSE ने जो आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया है, तो आपने देखा है वहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। तो थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए चैप्टर्स को, तो वो सारी बातें हम बाद में करेंगे। और अभी चैप्टर्स के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बाद में, जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे सारे MCQ क्वेश्चंस, देन मैं आपको सैम्पल पेपर भी सॉल्व करवाऊँगा। तो आप वेट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डैश इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। तो आपको पता है दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। तो क्या प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों आपके मनी का? तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैंने यहाँ पे दोस्तों आंसर्स भी साथ साथ लिख दिया है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, इनिशियल डिपॉजिट्स मेड बाय द पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज आर कॉल्ड टाइम डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट, प्राइमरी डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, प्राइमरी डिपॉजिट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट टू इंश्योर डैश। क्या इंश्योर करता है मॉनेटरी पॉलिसी? प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन द कंट्री, स्टेबल फॉरेन रिलेशंस एंड द ग्रेटर टैक्स कलेक्शंस फॉर द गवर्नमेंट। सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का मेनली टारगेट क्या होता है कि प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखे इकोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इन ऑर्डर टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक मे डैश। तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी दोस्तों बताइए? रिड्यूस द CRR, इंक्रीज द CRR, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट एंड इंक्रीज द बैंक रेट। सो योर आंसर विल बी क्या करेगी? रिड्यूस CRR। ठीक है, क्योंकि CRR दोस्तों कम होगी तो लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएगा, पैसे ज़्यादा आएगा तो लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, रिड्यूस द CRR। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है दोस्तों, व्हाट इज़ द डिफेक्ट ऑफ वाटर सिस्टम। सो डिफेक्ट ऑफ वाटर सिस्टम क्या है दोस्तों? लेक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, डिफिकल्टी इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, डिफिकल्टी इन द स्टोर ऑफ वैल्यू एंड डी इज़ ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता ही है दोस्तों वाटर सिस्टम की प्रॉब्लम सारी है। सो
योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। तो क्रेडिट मनी कौन सा है इसमें से, चेक एंड ड्राफ्ट, प्रोमिसनरी नोट, एक्सचेंज नोट और ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे क्या दोस्तों, आपके क्रेडिट नोट है ना, उधार जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो फर्दर परचेज के लिए, है ना, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पेमेंट के लिए, ये सारे चीज़ें। सो ये ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है, हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर है आपके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक एंड प्लानिंग कमीशन। तो आपको पता है मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है दोस्तों, RBI है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है दोस्तों, विद विच नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू। तो ये नरसिम्हम कमेटी किससे रिलेटेड थी दोस्तों, टैक रिफॉर्म्स, बैंक रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। तो ध्यान रखना, नरसिम्हम जो कमेटी दोस्तों वो मेनली बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन है, इन विच ईयर द सेकेंड नरसिम्हम कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ध्यान रखना है दोस्तों, योर आंसर विल ऑप्शन विल बी 1978, 1991, 1997, 1998। सो योर आंसर विल बी 1998। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टेन, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम वॉज अनाउंस इन विच ईयर। योर आंसर विल बी ऑप्शन विल बी क्या है दोस्तों, ऑप्शन आपका 1990, 1995, 1997, 2000। सो ये कब हुआ था दोस्तों, बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम कब आई थी? सो ये RBI ने दोस्तों 1995 में क्या किया था, एक तरीके से स्कीम लॉन्च करी थी, है ना, अंडर द आर्टिकल 31, ये ध्यान रखना, अंडर द आर्टिकल 35A और एक्ट था आपका 1949, ठीक है। तो ये मेनली बैंकिंग से रिलेटेड ये स्कीम है और ये एक तरीके का एक्ट बनाया था RBI ने 1995 में, जिसे क्या बोलते हैं, ऑम्बड्समैन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विच वॉज द इंक्लूडेड इन द प्योर व्यू परव्यू ऑफ बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम। सो मेनली क्या है, ऑल शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, तो इन सब के को इंक्लूड किया गया था इस बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम के अंदर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉर द सजेस्टिंग कस्टमर सर्विस इम्प्रूवमेंट इन द बैंक। तो कौन सी कमेटी थी आपकी दोस्तों, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, गोइपोरिया कमेटी, ध्यान रखिएगा, गोपोरिया कमेटी, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, फॉर द रिवील एंड द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिग बैंक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटिव। तो कौन सी कमेटी बनाई गई थी, वर्मा कमेटी, गोपोरिया कमेटी, गोपोरिया कमेटी, रेखी कमेटी एंड नरसिम्हम कमेटी। तो ये कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, वर्मा कमेटी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, RBI अनाउंस द गाइडलाइंस टू इशू द लाइसेंस टू न्यू बैंक ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑन। तो RBI ने कब अनाउंस किया था, कौन सी गाइडलाइन के अंदर, सो जनवरी 1993, मार्च 15, 1995, अप्रैल 1, 1999, नन ऑफ दिस। तो ये कब किया था दोस्तों, योर ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, 22 जनवरी 1993 को, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, हु वॉज द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो आपको पता ही दोस्तों, कस्टोडियन कौन है, होता है RBI, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया बिगेन इन। तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इंडिया कब से स्टार्ट हो दोस्तों, तो 1991 से, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। सो नियर मनी कौन सी है दोस्तों आपकी, बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, सिक्योरिटीज, ऑल ऑफ दिस।
तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, सारे के सारे नियर मनी होती है। तो नियर मनी क्या है, फैट मनी क्या है, मैंने ऑलरेडी टॉपिक में करवाया हुआ, तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा थ्योरी पोर्शंस को, तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ मनी। तो फीचर्स ऑफ मनी क्या है दोस्तों, जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, होमोजीनियस यूनिट, लिक्विड एसेट्स, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है दोस्तों ऑल ऑफ दिस होगा इसका आंसर, है ना, मनी के सारे फीचर हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक मे बी। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या करेगी, रिड्यूस कर देगी, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज। ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, पैसे एक्सेप्ट करता है किसके लिए, पैसे उधार देने के लिए, तो वो कौन सी चीज़, कौन सा इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, कमर्शियल बैंक। आपको पता है कमर्शियल बैंक में हम पैसे जमा करते हैं, है ना, और कमर्शियल बैंक फर्दर क्या करती है, उसे लोन के रूप में दूसरे को प्रोवाइड करती है और इंटरेस्ट चार्ज करती है ना, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है दोस्तों, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, क्रेडिट क्रिएशन, एजेंसी फंक्शंस, ऑल ऑफ दिस। तो आपको पता है सारे काम किसके हैं, कमर्शियल बैंक के। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 22। द सेंट्रल बैंक कैन इशू द अवेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय। तो सेंट्रल बैंक किस तरीके से इंक्रीज करेगी क्रेडिट की अवेबिलिटी को, तो राइजिंग रेपो रेट करेगी दोस्तों, तो कमी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। राइजिंग रिवर्स रेपो रेट करेगी तब भी नहीं हो पाएगा। बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी तब भी नहीं होगा। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, है ना, तो सेलिंग करेगी तब जाके क्रेडिट कैपेबिलिटी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। यहाँ पे दोस्तों मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे, तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और ऑप्शंस एक बार मैं बता रहा हूँ, है ना। इसलिए मैंने बोला है कि पहले आप जो मैंने थ्योरी पोर्शंस करवाया हो उसे एक बार अगर आप देख लोगे दोस्तों, तो गारंटी दे सकता हूँ कि आपको इसमें से 90% क्वेश्चन आप वन टाइम्स में ही दोस्तों करेक्ट कर दोगे। तो पहले आप उस थ्योरी पोर्शन को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, द गिविंग परमिशंस टू विदड्रॉ मनी बाय एन अकाउंट मोर देन डिपॉजिट टू इज़ नोन एज। तो क्या बोलते हैं दोस्तों, एडवांस, ओवरड्राफ्ट, लोन, नन ऑफ दिस। तो आपको पता क्या बोलते हैं इसे, ओवरड्राफ्ट, है ना। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जितना अमाउंट उससे ज़्यादा निकालना। जैसे मान लो आपके अकाउंट में किया है दोस्तों 10,000 रुपये हैं, है ना, और आपने क्या कर लिया, 15,000 निकालने की परमिशन है, 15,000 तक निकाल सकते हो, यानी 5,000 क्या है, आप ज़्यादा निकाल सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, है ना, और ये पता भी होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, व्हाट आर द अल्टरनेट मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो अल्टरनेट मेजर सप्लाई ऑफ मनी क्या है दोस्तों, M1, M2, M3, M4, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे के सारे क्या दोस्तों, अल्टरनेटिव ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। तो ये M1 क्या है, M2 क्या है, M3, M4, ये थ्योरी क्वेश्चन में आप जाके कवर कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बैंक्स आर एबल टू क्रेडिट मैनी टाइम्स मोर देन इनिशियल डिपॉजिट थ्रू। तो किसके थ्रू दोस्तों, सेकेंडरी डिपॉजिट, प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन। तो किसके थ्रू कर सकते हैं दोस्तों क्रेडिट बहुत बार क्रेडिट, तो सेकेंडरी डिपॉजिट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26, द क्रिएशन इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन किसे बोला जाता है दोस्तों, सेकेंडरी क्रिएशन को, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, आपको पता है CRR, है ना, जो किसी भी कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय। तो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक को क्या बोलते हैं दोस्तों, किस तरीके से मतलब क्रेडिट क्रिएशन होता है, कैश रिजर्व रेशो, SLR, इनिशियल डिपॉजिट, ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे तरीके हैं दोस्तों, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर
डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, हु सर्कुलेट्स ऑल मिंट्स एंड 1 रुपीज नोट इन इंडिया, तो कौन करती है दोस्तों? यहाँ पे ये नोट होगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 रुपी नोट दोस्तों कौन इशू करती है, ध्यान रखिएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नैरो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो नैरो मनी किसे बोलते हैं दोस्तों? M1 को, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? 1957 में, योर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, विच इज़ द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई, सबसे लिक्विड मनी कौन सी होती है दोस्तों? तो M1, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, हाई पावर्ड मनी इनक्लोड, तो हाई पावर्ड मनी इनक्लोड में क्या क्या होता है दोस्तों? C plus D plus OD, C plus R plus OD, C plus R plus TD, C plus DD plus TD, सो योर आंसर विल भी क्या होगा दोस्तों? हाई पावर्ड मनी कौन सी होती है? सी आर और ओ डी, कैश रिजर्व्स और ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। 34 है क्वेश्चन नंबर, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड, मेटेलिक स्टैंडर्ड्स, गोल्ड स्टैंडर्ड्स और क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड्स, तो मनी मॉनेटरी सिस्टम कैसा है दोस्तों इंडिया का? पेपर स्टैंडर्ड्स है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे ऊंचा उच्च बैंक कह सकते हो या सबसे बड़ा बैंक कौन है आपका? दैट इज RBI, है ना, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, हु वॉज द राइट टू नोट इशू, तो नोट कौन इशू करता है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है सेंट्रल बैंक, ठीक है, और 1 रुपी कॉइन, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि 1 रुपी का कॉइन जो है दोस्तों कौन इशू करता है ना। मैंने आपको ऑलरेडी पहले नीचे ऊपर बताया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, तो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बताइए, इशू ऑफ नोट्स, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट बैंक, सप्लाई एंड कंट्रोल मनी, ऑल ऑफ दिस, तो ये सब काम होते हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक है, ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू कीप विद RBI, तो आपको पता है CRR कहते हैं उसे, कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है दोस्तों, विच इज़ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है क्रेडिट कंट्रोल का? टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी, एस्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, टू प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑल ऑफ दिस, तो इसका मेन क्रेडिट कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच इज़ द नोट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो कौन सा मेथड नहीं है दोस्तों क्वांटिटेटिव मेथड? तो ध्यान रखिएगा मोरल सेशन, है ना, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट है। नेक्स्ट 44 है आपका, एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? आपको पता है SLR, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश इन, तो कब इस्टेब्लिश हुआ था दोस्तों? 1935 को, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेब्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन द कंट्री, तो आपको पता है दोस्तों कौन करती है? सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू, तो किसके थ्रू करती है कंट्रोल दोस्तों? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर